वायरस की चलती हुई कर्फ्यू के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों, टैक्सी चालकों, ऑटो चालकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला कुल्लू के ऑटो चालकों को, जो ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन कर रहे थे, लेकिन कर्फ्यू के चलते अब 2 महीने पूरे होने को हैं और ऑटो चालक घर पर ही हैं। सरकार द्वारा भी ऑटो चालकों को कोई छूट और राहत नहीं दी गई है। ऐसे में गत दिनों ऑटो चालक का एक प्रतिनिधि मंडल डीसी कुल्लू ऋचा वर्मा से मिला और ऑटो चालकों ने ऑटो चलाने की मंजूरी देने की गुहार लगाई, ताकि एक और जहां आमजन को सुविधा मिले और ऑटो चालकों को भी कुछ राहत मिले। ऑटो चालकों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सभी ऑटो चालकों को सिर्फ एक सवारी बिठाकर चलने की अनुमति दी जाए, या तो सरकार द्वारा सभी ऑटो चालकों को 3,000 से 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाए। ये जो लॉकडाउन हुआ है आजकल, इसके चलते हुए हमारे सभी ऑटो चालक जो है हिमाचल के 4,000 के करीब जो है वो बेरोजगार हो गए, रोजगार होते हुए भी। जैसे हमारे कई ऑटो चालक है जिन्होंने बैंक से लोन लेके ऑटो लिए, उनकी इंस्टॉलमेंट देनी है। कुछ जैसे घरों के कई खर्चे होते हैं, जैसे घरों का ईएमआई हो गई, कुछ पर्सनल लोन लिए हुए हैं, पढ़ाई के खर्चे, बच्चों की फीस वगैरह, एडमिशन्स वगैरह, और जो भी मतलब हॉस्पिटल्स के खर्चे हैं, सारे हमें इसी से निकालने पड़ते हैं। हम सरकार से कि वो आग्रह करते हैं कि हमें जो है मतलब चलने की अनुमति दी जाए शहर के बीच में, जिस तरह से टैक्सी चल रही है, चाहे एक ही सवारी दे के अनुमति दी जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हमारे सभी ऑटो चालकों को 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाए, ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उज्जवल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।